पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते युवक के घर पहुंची 112 पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ दुर्ग एसपी सहित राज्यपाल और मानव अधिकार से गुहार लगाई है। 112 पुलिस के व्यवहार और थाना मोहन नगर में ट्रेनिंग परेड में नियुक्त महिला डीएसपी के दुर्व्यवहार से प्रताड़ित युवक ने अपने साथ थाने में किए मारपीट पर आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही महिला पुलिस अधिकारी के रवैये के चलते पूरा थाना पुलिस द्वारा जबरन मारपीट करने और दुर्व्यवहार की जाने से आघात युवक ने मीडिया के बीच अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब है कि थाना मोहन नगर में पुलिस कर्मियों द्वारा की मारपीट की शिकायत साकेत कॉलोनी कातुलबोर निवासी तेजस शर्मा ने लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उसने आरोप लगाया है कि 3 अप्रैल की आधी रात को उसका और उसकी पत्नी स्नेहा शर्मा के बीच पारिवारिक विवाद हो गया था। इस पर पत्नी ने 112 को कॉल कर घर पर बुला लिया था। 112 टीम में आए पुलिस कर्मी जायसवाल एवं वाहन चालक के सामने जब आवेदक तेजस शर्मा ने कहा कि इतना तमाशा होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, ये सुनकर पुलिस कर्मी जायसवाल ने उसी समय तेजस की कॉलर पकड़ कर धक्का मुक्की कर डाली। जब आवेदक ने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी क्यों की जा रही है, ये सुनकर गुस्साए पुलिसकर्मी ने उसे मोहन नगर थाना लेकर आया। थाने में लगभग 10-12 पुलिसकर्मियों व थाना प्रभारी आकांक्षा पांडे मौजूद थी। आकांक्षा पांडे व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की, इससे आवेदनकर्ता को चोटें आई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया है कि तेजस ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। जब उसे समझाइश के लिए 112 टीम थाने लेकर आई तो वह पुलिस कर्मियों से बदतमीजी से बात कर रहा था। वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। धारा 151 के तहत उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। उसने आवेदन दिया है, उसकी जाँच की जाएगी। इस संबंध में पीड़ित ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं साकेत कॉलोनी कातुल बोर्ड में रहता हूँ। 3 अप्रैल 2024 की रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग पति पत्नी में आपसी मतभेद में मेरी पत्नी ने 112 को कॉल किया, तो वहाँ पे सुपेला थाना के एक आरक्षक हैं श्री जायसवाल जी, नाम उनका याद नहीं है मुझे, वो आए 112 के ड्राइवर के साथ में और मुझसे बातचीत करने लगे कि क्या हो गया, झगड़ा कैसा है। तो मैंने इतने में अपनी वाइफ को बोला कि अब पुलिस घर आ गई है, बच्चे भी देख रहे हैं, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तो जायसवाल जी मेरे ऊपर भड़क गए, बोले पुलिस के सामने ऐसे बात करता है, मैं समझा रहा हूँ तब भी तू ऐसा कर रहा है, थाने चलो। मैं बोला ठीक है, मैं अपना कपड़ा वपड़ा तैयार करके थाने जाने के लिए तैयार हुआ। तो गेट पे मेरा कॉलर पकड़ के मुझे धक्का देने लग गए। मैं बोला सर मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई क्रिमिनल या हिस्ट्री शीटर नहीं हूँ, मुझे अच्छे से मतलब मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। तो बोले चल बदतमीजी क्या होता है, थाने चल तेरे को बताता हूँ। फिर मुझे थाने ले जाया गया मोहन नगर दुर्ग। वहाँ पर पहले से पुलिसकर्मी मौजूद थे, वहाँ पे कोई चाकूबाजी की घटना हो गई थी, वहाँ पे 4-5 बच्चे किसी को चाकू मार दिए थे। तो पहले से ही वहाँ पे एसपी सर भी मौजूद थे और 10-15 के आसपास पुलिस वाले मौजूद थे। तो उन लोगों को जाके वो जायसवाल सर ने बताया कि मैं इसको समझाने गया था और ये मेरे से अकड़ने लग गया, बदतमीजी करने लग गया, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपने साथ हो रही बदतमीजी की आपत्ति जताई थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। तो इतने में पीछे से आकांक्षा मैडम आई, मुझे नहीं पता था कि वो डीएसपी है, सिविल ड्रेस में थी। वो मुझे अबे ओए साले ऐसे करके बदतमीजी से बात करने लग गई। तो मैंने बस मैडम से इतना पूछा कि मैम मुझसे ऐसे बात क्यों की जा रही है। इतने में वो बाकी सारे पुलिस वालों को बोली कि जाओ इसको बात करना सिखाओ। फिर मुझे अंदर रेस्ट रूम था पुलिस वालों का, जहाँ पे बेड लगे हुए थे और टेबल वगैरह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे टायर का पट्टे जो थर्ड डिग्री यूज़ करने के लिए मारने के लिए वो यूज़ करते हैं, क्रिकेट बैट और हाथ घुसों से 10-12 पुलिस वालों ने मिल के 15-20 मिनट तक मारा। इतना मारा कि मेरे लेफ्ट आई में पूरा ब्लड जम गया था, मैं कम से कम 5-6 दिन तक देख नहीं पा रहा था, पीछे हिप में पूरा ब्लड जम गया था और हाथ में चोट के निशान आए हैं और अभी तक मुझे मतलब देखने में परेशानी हो रही है। और फिर उसके बाद जब मारपीट के वो आधा घंटा मारने के बाद में जब बाहर निकले तो मैडम फिर से आई उस कमरे के तरफ और वो मैंने उनसे बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफ़ी मांगी, मैडम मुझे इतना क्यों मारा जा रहा है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, सिर्फ इतना सा तो बोला हूँ मैं कि मुझसे ऐसे बात क्यों की जा रही है। तो बोले इसको अभी भी समझ में नहीं आया है, फिर से ले जाओ। फिर से ले जाके मुझे सारे पुलिस वालों के द्वारा फिर से मारा गया आधा घंटा, नीचे बैठा कर मेरे पैर के तलवे में पट्टे से मारा गया। एकदम ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया गया जैसे कि कोई मैं हिस्ट्री शीटर हूँ या क्रिमिनल हूँ। तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है,
लोग चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो पुलिस के पास जाएं अपने अनुदान के लिए, अपने मतलब समाधान के लिए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ही अगर ऐसा आम आदमी के साथ करेगी तो आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और ये पुलिस वालों की मनमानी बहुत ही गलत। अभी मैं चाहता हूँ कि मैम ट्रेनिंग में है, 2 महीना हुआ है उन्हें अभी ज्वाइन किए हुए थाने में, और अभी प्रशिक्षु DSP है। अभी से उनकी ये हरकत है, आगे जब वो कंफर्म हो जाएगी तो फिर वो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा उनके एरिया में काम रहेगा। तो मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आम आदमी के भी कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। आम आदमी को पुलिस वाले, वर्दी वाले कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें, इसका एक मिसाल कायम होना चाहिए, और वो मैडम सस्पेंड हो, और मुझे जिन भी पुलिस वालों ने मारा है वो सबको सस्पेंड किया जाए। मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ। हाँ, मैं SP सर को इसकी शिकायत कर चुका हूँ, और कलेक्टर महोदया मैडम से भी इसकी शिकायत की है। मानव अधिकार आयोग, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, सबको मैं सबूत के साथ में अपना लेटर, अपनी शिकायत भेज चुका। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।